गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सैम जीएस क्रिएशन। फटाफट सभी लोग कनेक्ट कर जाइए, क्लास की टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, 9 बज चुके हैं। 9 बजे आपकी स्टैटिक की क्लास होती है, तो बिल्कुल सभी लोग फटाफट कनेक्ट कर जाएंगे। और एक बार मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास आगे कंटिन्यू की जाए। गुड इवनिंग अर्जुन जी, गुड इवनिंग जग्गा जी, सभी लोग सेशन का लिंक शेयर कर दीजिएगा। डेली सुबह 8:30 बजे आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, डेली मॉर्निंग में 8:30 AM क्या होता है करंट अफेयर्स, और 9 PM पे 9 बजे होता है GKGS स्टैटिक की क्लास होती है। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट कनेक्ट कर जाएंगे। गुड इवनिंग सरित जी, स्टार्ट करें सेशन। थीम थोड़ी चेंज लगेगी आपको, दिवाली वाली थीम है ना, दिवाली तो एक दिन निकल गया, बट ठीक है, थीम थोड़ा अच्छा सा लग रहा था तो मैंने सोचा कि यही कर देते हैं। स्टार्ट करें सेशन, सभी लोग फटाफट कनेक्ट कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द इनसाइडर किसके द्वारा लिखी गई है? वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, शशि थरूर। टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने। चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आंसर भी बताते रहेंगे। क्या होगा आंसर? सरित जी, शशि थरूर बोल रहे हैं। सभी लोग आंसर बताइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? हु रोट द बुक द इनसाइडर? द इनसाइडर किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला, कोफी अन्नान। किसकी बुक है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सरित जी बोल रहे हैं कोफी अन्नान, सभी लोग आंसर बताएंगे। सॉरी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। ओके, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। सभी लोग पहले सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए और आंसर्स भी बताते रहेंगे। कमलेश जी डी बोल रहे हैं। सभी लोग आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी 8 सेकेंड है, सबको आंसर देना है, सभी लोग आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर अर्जुन जी बी बोल रहे हैं, बी नहीं, ना ही डी होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलो, शब्द आर एच फैक्टर किसको संदर्भित करता है? व्हाट डज द टर्म आर एच फैक्टर रेफर्स टू? रीनल फैक्टर, रेसस फैक्टर, हॉरम्बिक फैक्टर, रोम्बिक फैक्टर या रोमेटॉइड फैक्टर? आंसर बताएंगे सभी लोग सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन का। जी हेलो अर्जुन जी, सभी लोग आंसर बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पूछा है आर एच फैक्टर। टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने। सरित जी ए बोल रहे हैं। सभी लोग आंसर बताएंगे। अर्जुन जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग पहले तो सेशन का लिंक शेयर करो। क्या सब सो रहे हैं? छुट्टी मनानी थी क्या सबको? बता देते फिर ऑफ कर देती क्लास में। राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च फैक्टर बी। ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरियल ऑफ अ मिलिट्री चीफ, ये पुस्तक पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल किसके द्वारा लिखी गई थी? सुशील कुमार, अरुण प्रकाश, निर्मल कुमार, देवेंद्र कुमार। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरियल ऑफ अ मिलिट्री चीफ किसकी है? बताएंगे सभी लोग आंसर। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। गुड इवनिंग दीक्षा जी, अर्जुन जी सी और सरित जी सी बोल रहे हैं, निर्मल कुमार।
दीक्षा जी ने बी बोला है, सभी लोग आंसर बताएंगे। अभी भी 10 सेकेंड है, गलत सही जो भी आता है आंसर्स आप लोग बताएंगे, और सेशन का लिंक भी शेयर कर दीजिए आप लोग जिन भी लोगों ने नहीं किया है। बिल्कुल राइट आंसर ना बी होगा ना सी होगा, राइट आंसर होगा सुशील कुमार ए। ठीक है, ए इज राइट आंसर। आप लोगों ने अभी तक सारे आंसर्स गलत ही दिए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए आंसर्स। ठीक है, राइट आंसर होगा सुशील कुमार। फेफड़ों द्वारा स्वशासित और निःश्वासित वायु की मात्रा को मापने के लिए उपकरण का नाम पूछा है क्या है? इंक्लाइनोमीटर, एनेमोमीटर, स्पाइरोमीटर, नेफ्लोमीटर। बताएंगे सभी लोग। नेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय द लंग्स। सभी लोग आंसर बताइए। अर्जुन जी ए और सरित जी डी बोल रहे हैं। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, आंसर बताएंगे आप लोग। ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा भी है, इसका आंसर तो आना चाहिए आप लोगों को। सभी लोग आंसर बताइए, गलत सही जो भी आता है। अर्जुन जी ए और सरित जी ने डी बोला है। कमलेश जी आंसर्स भी बताते रहो। बिल्कुल सरित जी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर सरित जी सी हो जाएगा, स्पाइरोमीटर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का तेभागा आंदोलन किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तेभागा मूवमेंट ऑफ 1946 इज रिलेटेड टू विच प्रेजेंट इंडियन स्टेट? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, एमपी। सभी लोग आंसर बताएंगे, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले स्पाइरोमीटर था, सी था अर्जुन जी। ओके, कमलेश जी बोल रहे हैं बिहार, सरित जी एमपी बोल रहे हैं। क्या क्लास नहीं करनी थी क्या? ऑफ चाहिए था आप लोगों को, छुट्टी चाहिए था। अभी क्लास के पहले जग्गा जी क्लास में थे, बट क्लास स्टार्ट हुई तो गायब हैं। दीक्षा जी बी बोल रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन आवेशित वस्तु में होती है अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैज न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की न्यूनता या इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता। एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन डिफिशियंसी या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सभी लोग आंसर बताएंगे, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। जी सरित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सरित जी सी बोल रहे हैं, प्रोटॉनों की न्यूनता। एक धन आवेशित वस्तु में होती है, क्या होगा? दीक्षा जी सी और अर्जुन जी ने बी बोला है। 7 सेकेंड है अभी भी, सभी लोग आंसर बताएंगे। बी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता। ठीक है, डी इज राइट आंसर, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी होगा इसका आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताएंगे, ये तो सबको पता होगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? कितनी अनुसूचियां हैं बताएंगे सभी लोग। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, 22, 10, 12, 15। सरित जी सी बोल रहे हैं, अर्जुन जी 12 बोल रहे हैं, सरित जी 21+1 नहीं होगा, कमलेश जी ने 12 बोला है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग आंसर बताएंगे। कितनी है? बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले कितनी थी? 9 थी, और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। शब्द फॉलो ऑन किस खेल से संबंधित है? द टर्म फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने। ओके सरित जी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, 12 बोला है मैक्सिमम लोगों ने, है ना। चलो अब इसका आंसर बता दो, फॉलो ऑन किस खेल से संबंधित है?
गुड इवनिंग रोमित जी. सरित जी क्रिकेट बोल रहे हैं, अर्जुन जी ने बी बोला है वॉलीबॉल. वॉलीबॉल कैसे हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है. राइट आंसर क्या होगा रोमित जी? डी हो जाएगा, क्रिकेट. कमलेश जी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है. राइट आंसर क्रिकेट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड. विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज द फर्स्ट टू सेट अप द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त? बताएंगे सभी लोग, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है. दिवाली स्पेशल चश्मा नहीं है, आईज में प्रॉब्लम हुई है, यहाँ देखो इसलिए लगाना पड़ रहा है, ठीक है. या तो मैं ये कर सकती थी कि क्लास के मतलब बैठ के क्लास लेती, या फिर ये कर सकती थी कि चश्मा वश्मा लगा लूँ. अर्जुन जी डी बोल रहे हैं, रमेश जी ने केरल बोला है. 5 सेकेंड है, सभी लोग आंसर देंगे. दीक्षा जी डी बोल रहे हैं. राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र, ठीक है. ए इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है अर्जुन जी, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण होता है? सबको पता होगा, विटामिन B3, विटामिन B12, B6 या B1. टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, आंसर बताएंगे सभी लोग. बेटा पढ़ाई कर लो कमलेश, चश्मा और ये सब बम फोड़ना ये सब छोड़ दो और पढ़ाई कर लो, आंसर्स बता लो. जी सरित जी, इस जोश को हमेशा आप लोग अपने अंदर रखिए, बिल्कुल ठीक है. रोमित जी, दीक्षा जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? B1, ठीक है, विटामिन B1. डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद. टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, आंसर बताएंगे सभी लोग. ओके, दीक्षा जी ए, अर्जुन जी बी, रोमित जी हैदराबाद और सरित जी पुणे बोल रहे हैं. राइट आंसर ए, सारे आंसर्स हो चुके हैं मुझे लगता है. सारे ऑप्शंस आपने बता दिए. बिल्कुल ठीक है, ए बोला था दीक्षा जी ने, बिल्कुल ठीक है दीक्षा जी, वेरी गुड. राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान संस्कृत महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था? शाह नाम के रूप में, बादशाह नाम के रूप में, रज्मनामा के रूप में या तूती नामा के रूप में? टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, आंसर बताएंगे सभी लोग. क्वेश्चन नंबर 13 का, मुझे लगता है मुझे आज क्लास लेनी ही नहीं चाहिए थी, आप लोगों को दिवाली की छुट्टी चाहिए थी तो बता देना था ना कि मैम क्लास मत रखो इवनिंग वाली, हम नहीं आने वाले. अर्जुन जी सी, दीक्षा जी सी, रोमित जी बी बोल रहे हैं, सरित जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? रज्मनामा, सी इज राइट आंसर. तो जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है. ओके चलो, राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन सा बिल आरंभ नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक, मौलिक विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक या धन विधेयक? ऑर्डिनरी बिल, फंडामेंटल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या मनी बिल? टाइमर स्टार्ट कर दिया है, सभी लोग आंसर बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 14 का, अर्जुन जी डी, रोमित जी ए बोल रहे हैं, सरित जी ने ए बोला है. ओके, दीक्षा जी बिल्कुल ठीक है. अरविंद जी, अरविंद जी आप तो बहुत दिनों के बाद क्लास में आए हैं, है ना, मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया आपको क्लास आए. गुड इवनिंग अरविंद जी, बिल्कुल ठीक है. राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक, मनी बिल, ठीक है, डी इज राइट आंसर. हीलियम का रंग पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ हीलियम? लाइट ग्रीन, कलरलेस, येलो, रेड, रेड ब्राउन. टाइमर स्टार्ट कर दिया है, आंसर बताएंगे सभी लोग. क्वेश्चन नंबर 15, सभी आंसर बताएंगे. ओके
ओके दीक्षा जी बी, अर्जुन जी बी बोल रहे हैं, सभी लोग आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अभी भी 6 सेकंड हैं और आप भी 5-6 ही हैं, तो आंसर भी बता ही दो, कम से कम उतने तो आए। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, राइट आंसर हो जाएगा रंगहीन, कलरलेस है। ठीक है, गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया? जवाहरलाल नेहरू, मुतुलक्ष्मी, सरोजनी नायडू, एनी बेस्ट, गांधी। टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, आंसर बताएंगे सभी लोग। अर्जुन जी बोल रहे हैं ए, सभी लोग आंसर बताइएगा। कमलेश जी ने ए बोला है, सरित जी डी बोल रहे हैं, दीक्षा जी ए, नेहरू बोल रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? ना ए होगा ना डी होगा, राइट आंसर सरोजनी नायडू, सी इज राइट आंसर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उड़ीसा। टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, आंसर बताएंगे सभी लोग। अर्जुन जी बी बोल रहे हैं, सभी लोग आंसर बताइएगा। पूछा है कि कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है, अभी भी 14 सेकंड है, आंसर बताइए सभी लोग। क्या कर रहे हो, आंसर तो बताओ, सो गए क्या? अर्जुन जी अपने आंसर ही चेंज कर दे रहे हैं, बी से ए। राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा। ठीक है सरित जी, डी और यूपी बोल रहे हैं अरविंद जी, राइट आंसर इसका त्रिपुरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के लिए SI इकाई क्या है बताएंगे? व्हाट इज द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट? केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, जूल। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। अर्जुन जी बोल रहे हैं एम्पियर, सरित जी और अरविंद जी बी बोल रहे हैं, इसका आंसर तो पता होना ही चाहिए, सभी लोग आंसर बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा, है ना, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। आंसर बताएंगे सभी लोग, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या ताप मंडल। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, आंसर बताएंगे सभी लोग। सरित जी सी बोल रहे हैं, कुलदीप जी ने सी और अर्जुन जी सी बोल रहे हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे, 10 सेकंड अभी भी हैं। हेलो कुलदीप जी, आरती कुशवाहा जी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट गैफॉन 10 एक उच्च डेफिनेशन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान। बताएंगे सभी लोग। सैटेलाइट गैफॉन 10, अ हाई डेफिनेशन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिबल सैटेलाइट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? टाइमर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो आंसर्स बताने आप लोगों को, सभी लोग आंसर बताएंगे। सरित जी चाइना, दीक्षा जी इंडिया बोल रहे हैं, अर्जुन जी ने बी बोला है, अरविंद जी बोल रहे हैं चाइना, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? चाइना हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, वेरी गुड। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं, सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए पूरी श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। ऑप्शन बी जोशी मठ, द्वारका, पूरी, श्रृंगेरी। ऑप्शन सी द्वारका जोशी मठ, प्रयाग, कांची। ऑप्शन डी श्रृंगेरी द्वारका जोशी मठ, प्रयाग। टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, आंसर बताएंगे आप लोग।
आरती कुशवाहा जी, क्लास की टाइमिंग 9 PM है, 9 बजे होती है इवनिंग में, और एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की होती है सुबह 8:30 बजे, 8:30 AM पे, ठीक है। सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं और 9 PM पे स्टैटिक की क्लास होती है। सभी लोग आंसर बताइए, अभी भी 3 सेकेंड हैं। अरविंद जी डी बोल रहे हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। आंसर्स पे टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि रिवीजन जब हम अभी करेंगे एंड में, तब आंसर्स पे टिक किया जाएगा। ओके, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोविजंस ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, आंसर्स बताएंगे सभी लोग। अरविंद जी USA बोल रहे हैं, सरित जी ने USA बोला है, सभी लोग आंसर बताएंगे, गलत सही जो भी आता है आंसर्स बताते रहेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, आरती कुशवाहा जी डी और दीक्षा जी ने भी डी बोला है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा USA, ठीक है, डी इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तांबा, सीसा, चांदी, तांबा, लोहा, निकल, तांबा, टिन, जस्ता, तांबा, जस्ता, सीसा, किसका है? टाइमर स्टार्ट कर दिया है, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, किसका अलॉय है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। सरित जी सी बोल रहे, अरविंद जी ने सी बोला है, 10 सेकेंड है, सभी लोग आंसर्स बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। आरती कुशवाहा जी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी होगा, तांबा, टिन, जस्ता, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी आपके एग्जाम में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, GST परिषद में कितने सदस्य हैं? 23, 33, 25, 35। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन GST काउंसिल? टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, सभी लोग आंसर्स बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, दीक्षा जी, कमलेश जी, इसके पहले वाले का तांबा, टिन, जस्ता था, ठीक है। अभी आंसर्स बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 24 का 33, बिल्कुल ठीक है। आरती जी, सरित जी, अरविंद जी, राइट आंसर क्या होगा? 33, ठीक है, 33B इज राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, बताएंगे सभी लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द मोत्सु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? टाइमर स्टार्ट कर दिया है। अर्जुन जी ए बोल रहे हैं, सरित जी ने नागालैंड बोला है, दीक्षा जी बी असम बोल रहे हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे, 18 सेकेंड है। आरती जी सी और अरविंद जी सी बोल रहे हैं, मोत्सु उत्सव कहां मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, सी इज राइट आंसर, नागालैंड, जिन भी लोगों ने बोला है, सरित जी, अरविंद जी, आरती जी, वेरी गुड, राइट आंसर नागालैंड होगा। कलुमार चोटी किस श्रेणी में उच्चतम बिंदु है? काराकोरम श्रेणी, सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, सभी लोग आंसर बताएंगे। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, सभी लोग आंसर बताइए, और आप लोग यार सेशन का लिंक विंक भी शेयर कर दिया करो। कमलेश जी शांति से क्लास करिए, दीक्षा जी ए, आरती जी ए बोल रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा? ए नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी, राइट आंसर हो जाएगा विंध्य श्रेणी, ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया? सभी लोग आंसर्स बताएंगे।
अरविंद जी बी बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। आरती जी ने बी बोला है। एच एंड एम जी बी बोल रहे हैं, सरित जी ने बी और दीक्षा जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, बी इज राइट आंसर। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है, अरुणाचल प्रदेश, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिपब्लिकन एथिक? बताएंगे किसकी बुक है। ये पेन क्यों नहीं चला? हाँ चल गया, बताएंगे। रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, मोहम्मद हामिद अंसारी, के आर नारायण। टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, सभी लोग आंसर्स बताएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। दीक्षा अरविंद जी ने ए बोला है, सरित जी डी, एच एंड एम जी ने ए बोला है। ओके, द रिपब्लिकन एथिक, बिल्कुल ठीक है। दीक्षा जी भी ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद की बुक है ये, ठीक है। ए इज राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, द रिपब्लिकन एथिक, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, सभी लोग आंसर बताएंगे। एच एंड एम जी डी बोल रहे हैं मेघालय, सभी लोग आंसर बताइए। सरित जी मणिपुर, दीक्षा जी ने ए, अरविंद जी और आरती जी डी बोल रहे हैं मेघालय। अच्छा, आप लोग मेघालय और मणिपुर में कंफ्यूज हैं। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेघालय। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहां पे? मेघालय। ओके, डी इज राइट आंसर। सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। सूरजकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, सभी लोग आंसर बताइए। सरित जी पंजाब बोल रहे हैं, आरती कुशवाहा जी ने ए बोला है और अरविंद जी ए बोल रहे हैं। एच एंड एम जी ने ए बोला है, दीक्षा जी ए बोल रहे हैं। सभी लोग आंसर बताइए, गलत सही जो भी आता है आप आंसर्स बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, अखिलेश सेजल जी ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, ए इज राइट आंसर। अब हमने जितने क्वेश्चंस 30 questions किए हैं उनका हम आपको पता है अभी आंसर्स पे टिक नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम एंड में रिवीजन करते हैं और रिवीजन के टाइम पे जब आप आंसर्स बताएंगे तो हम फटाफट टिक करते जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा फास्ट होगा, टाइमर का वेट नहीं करना है। ओके चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आंसर्स पे टिक नहीं है, रिवीजन तो कराना ही पड़ेगा। चले आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था? पुस्तक द इनसाइडर किसके द्वारा लिखी गई है? इनसाइडर किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी, सरित जी, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? फटाफट आंसर बताएंगे, नेल्सन मंडेला, ठीक है, सी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल, एच एंड एम जी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द आरएच फैक्टर किसको संदर्भित करता है? किसको करता है? रिसेस फैक्टर को। तो राइट आंसर इसका बी होगा, बिल्कुल ठीक है सेजल जी, दीक्षा जी, अर्जुन जी, अरविंद जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरियल ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल किसके द्वारा लिखी गई है? एडमिरल सुशील कुमार। तो राइट आंसर क्या होगा?
थर्ड बिल्कुल सुशील कुमार ए इज राइट आंसर। अखिलेश जी बिल्कुल ठीक है। आरती जी चलो, फेफड़ों द्वारा स्वशासित और निश्वासित वायु की मात्रा को मापने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम स्पायरोमीटर, ठीक है, सी इज राइट आंसर। वेरी गुड सरित जी, दीक्षा जी, अरविंद जी, आरती जी, अर्जुन जी, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का तेभागा आंदोलन किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल ठीक है, पश्चिम बंगाल, है ना, बिल्कुल ठीक है, वेस्ट बंगाल ए इज राइट आंसर। वेरी गुड दीक्षा जी, अर्जुन जी, अरविंद जी, आरती कुशवाहा जी। एक धन आवेशित वस्तु में होती है क्या, होती है क्या, होता है इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी हैं, 12 हैं, 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल अखिलेश जी, अर्जुन जी, दीक्षा जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द फॉलो ऑन किस खेल से संबंधित है, फॉलो ऑन क्रिकेट से ना, हाँ बिल्कुल, राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, क्रिकेट। वेरी गुड सरित जी, अखिलेश जी, अरविंद जी, दीक्षा जी, अर्जुन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया, तो किस राज्य ने किया था, महाराष्ट्र स्टेट ने, ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है, आपको पता है विटामिन B1, ठीक है, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, कहां पे स्थित है, बिल्कुल मुंबई, है ना। सॉरी अखिलेश जी, सरित जी, दीक्षा जी, अरविंद जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान संस्कृत महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था रज्मनामा के रूप में, राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, रज्मनामा, बिल्कुल ठीक है, आरती जी, अखिलेश जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन सा बिल आरंभ नहीं किया जा सकता, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में आप नहीं देखो तो सबसे पहले उसे सर्कल कर लो और उसे ध्यान में रख के आंसर दो, बिल्कुल मनी बिल, धन विधेयक, है ना, राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, वेरी गुड अर्जुन जी, दीक्षा जी, H&M जी। चलो, हीलियम का रंग है, हीलियम कैसी है, एक रंगहीन गैस है, कलरलेस, ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया था, बिल्कुल ठीक है, सरित जी, अखिलेश जी, सरोजनी नायडू, है ना, सी इज राइट आंसर, वेरी गुड अरविंद जी, सरित जी, आरती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है, राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, कहां से, बिल्कुल ठीक है, त्रिपुरा। विद्युत धारा के लिए SI इकाई पूछा है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट सबको पता है क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ठीक है, बी इज राइट आंसर, आरती जी, सरित जी, H&M जी, अखिलेश जी, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है, तो आपको पता है ट्रोपोस्फीयर, है ना, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट गैफॉन 10 एक उच्च डेफिनेशन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था, तो गैफॉन किसके द्वारा किया गया था, चाइना। हाँ क्वेश्चन नंबर एक्चुअली डाला नहीं है बट कोई नहीं, कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक है अखिलेश जी, बिल्कुल चाइना ए इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ हैं, कौन से चार मठ, कौन से चार मठ हैं, ओके आरती जी, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, USA से लिया गया है ना,
तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दीक्षा जी। गन मेटल मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है किसकी, तांबा टिन एंड जस्ता, है ना। बिल्कुल ठीक है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, कितने हैं, 33। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड अर्जुन जी, अखिलेश जी, दीक्षा जी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सुत्सव मनाया जाता है, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल ठीक है राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, है ना। वेरी गुड दीक्षा जी, अरविंद जी, सरित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलुमार चोटी किस श्रेणी में उच्चतम बिंदु है, किस श्रेणी में है कलुमार चोटी, विंध्य श्रेणी में स्थित है, ठीक है राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है, सभी लोग बताइए। बिल्कुल ठीक है राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बी इज राइट आंसर। वेरी गुड दीक्षा जी, अर्जुन जी, अरविंद जी, सरित जी। सॉरी, द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक के लेखक कौन है, द रिपब्लिकन एथिक किसकी है, अभी देखा हमने रामनाथ कोविंद की बुक है, ठीक है ए इज राइट आंसर। वेरी गुड अरविंद जी, सत्येंद्र जी आप बहुत लेट आए, है ना, ए इज राइट आंसर। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, अभी बहुत से लोग कंफ्यूज थे मणिपुर और मेघालय में, और इसका राइट आंसर मेघालय होगा, ठीक है। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका, सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे, बिल्कुल हरियाणा, है ना, ए इज राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, अर्जुन जी, सत्येंद्र जी, दीक्षा जी एंड कमलेश जी। चले सभी लोग सेशन का लिंक जो है वो क्लास के एंड में भी शेयर कर सकते हो, स्टार्टिंग में तो करते नहीं हो, एटलीस्ट एंड में ही कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सुबह 8:30 बजे 8:30 AM करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी होंगी, और कल 9 PM पे स्टैटिक की क्लास होगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8:30 बजे। थैंक यू अर्जुन जी, सत्येंद्र जी, अखिलेश जी, कमलेश जी, दीक्षा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मॉर्निंग में आपका सेशन है 8:30 बजे करंट अफेयर्स, तो सभी लोग सुबह में 8:30 बजे टाइम से आएंगे, और शाम की टाइमिंग जो है वो इवनिंग की टाइमिंग आपकी 9 PM है, ठीक है। जो लोग न्यू हैं उनके लिए टाइमिंग बार बार बता रही हूँ, सुबह 8:30, इवनिंग 9 PM। थैंक यू सो मच। ओके बिल्कुल बी लेटेड, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, जो लोग अभी लेट आए हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग अखिलेश सैजल जी।